पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी नागौर दौरे पर रहे और चौधरी ने कहा कि सरकार बदलने के साथ ही राज्य में बिजली पानी की समस्या उठ खड़ी हुई है और जनता त्राही त्राही कर रही है। वहीं पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। यानी कि इस बयान के बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीआर चौधरी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाए है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी आज नागौर के दौरे पर रहे और इसी दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जैसे ही सरकार बदली कानून व्यवस्था लड़खड़ा गई और साथ ही बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदेश भर में चरमरा गई। अपराधों को नियंत्रण ये राजस्थान प्रदेश सरकार की ड्यूटी होती है और प्रदेश सरकार को पीएचईडी के मामले में पानी के मामले में जहाँ जहाँ कोई नया प्रोजेक्ट है या भारत सरकार के द्वारा जो बजट एलोट किया जा रहा है उसमें उसका सदुपयोग भी करते हैं लोग, लेकिन पीने के पानी को लेकर वास्तव में प्रधानमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं और इसीलिए एक जल शक्ति के नाम से एक अलग महकमा बनाया गया है जिसका कार्य यह है अगले 5 वर्षों में जिस प्रकार से हमने रसोई गैस को भेजा, आम आदमी की रसोई गैस अप्रोच में आ गई, मुफ्त में 6 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन दे दिए, इसी प्रकार से अब बिजली पानी भी सब घरों में उपलब्ध हो, पानी समुचित मात्रा में भी आए, पानी आसानी से घर में उपलब्ध हो जाए, ये सारी व्यवस्थाओं पे भारत सरकार ध्यान देगी और ये जो नया महकमा भारत सरकार का नया डिपार्टमेंट ये ही काम करेगा।